बाटा रेलवे स्टेशन के पास युवक की ट्रेन की चपेट में आ जाने से मौत हो गई। रेलवे लाइन के पास से गुजरने वाले लोगों ने बताया कि सुबह रेलवे लाइन पर 40 से 42 साल का व्यक्ति बैठकर शराब पी रहा था। लोगों ने ट्रेन की लाइन से हट जाने के लिए कहा, लेकिन उस व्यक्ति ने किसी की भी बात नहीं सुनी और मालगाड़ी से उसकी टक्कर हो गई, जिससे उसके सिर में चोटें आई हैं और मौके पर ही मौत हो गई। जीआरपी को सूचना देकर मौके पर बुलाया गया। जीआरपी पुलिस ने व्यक्ति के शव को ट्रैक से उठाकर पोस्टमार्टम के लिए सिविल हॉस्पिटल भिजवा दिया है। मृतक व्यक्ति स्टेशन के आसपास का ही रहने वाला बताया जा रहा है। आया व्यक्ति नीचे ट्रेन के, कैसे आया? नहीं कहा था व्यक्ति के, ना जी पहचान में नहीं आ रहा है। पहचान उसकी जेब में कोई आईडी वगैरह नहीं मिली? नहीं, हम लोगों तो नहीं देखे, पुलिस वाले जेब में से देख रहे थे, कोई कागज सा मिला है। चपेट में आया था कि टकराने से हुआ था? देखो भाजी, हमने उसको कुछ देखा नहीं, लाइन पर बैठे हुए लोगों ने देखा। भी दिखाता हूँ। अच्छा, लाइन पर बैठा था? अच्छा, बैठा था, ट्रैक पे बैठा हुआ था, दारू पी रहा था, दारू पी रहा था। अच्छा, वही व्यक्ति है जो रेल की चपेट में। कितनी उम्र थी भाजी उसकी? लगभग उसकी उम्र तो 35 वर्ष के लगभग व्यक्ति की उम्र बताई जा रही है। 40-45 का था, 40-45 उम्र थी। काला काला था, भूत जैसे था वो। अच्छा 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 अच्छा, ऐसे ही था। तो मतलब वो ट्रेन के नीचे जैसे नीचे से निकल रहा था, पार कर रहा था? ये हमने नहीं देखा, या किसी ने नहीं देखा, लाइन पर बैठते हुए लोगों ने देखा है। अच्छा, लाइन पर बैठते हुए लोगों ने। हाँ, और दारू की बोतल भी उसके पास थी, जिससे मतलब दारू पी रखा था। ट्रेन से कटा या मालगाड़ी से कटा? नहीं, मालगाड़ी थी, मालगाड़ी कटा भी नहीं है, टकरा है, मतलब टकरा है। हाँ, टक्कर लगी है, शराब के नशे में चपेट में आ गया। हाँ, कटा नहीं था सर, वो यहीं पे खत्म हो गया। सर, ये कौन सी कॉलोनी थी हम खड़े यहाँ पे? एसी नगर है जी, रेलवे लाइन पे बैठ के शराब पी रहा था, ट्रेन आई उसके चपेट में आ गया। आपके कहने का मतलब आगे चल के देखिए, चला खुला पड़ा है रास्ता, ग्रिल लगी पड़ी, हम लोग पर ग्रिल लगी पड़ी है, जहाँ जहाँ ठेकेदारों को वो कर दिया गया है, छोड़ दिया है रास्ता। भाजी अभी लगी है ग्रिल, पहले तो नहीं लगी थी ना ग्रिल? अभी लगी है जी, पहले नहीं लगी। यहाँ बच्चों का भी खतरा बना रहता है? बिल्कुल खतरा बना रहता है जी, क्योंकि सामने ये घर है और ये रेलवे ट्रैक है, कि बच्चा आ जाए सामने से। ग्रिल तो लगा है जी, बिल्कुल सेफ्टी के लिए लगा है, सेफ्टी के लिए लगा है। कॉलोनी वाले लोग नहीं जाते, जहाँ तहाँ जो कट लगा हुआ छोड़ा गया है रास्ता, उससे जो है शरारती चौक लाइन पे आके बैठते हैं, झुग्गी वाले भी लाइन पे बैठते हैं और दारू धक्कर पीते हैं, एक्सीडेंट हो जाते हैं। सट्टेबाज, जुएबाज, सब तरह के लोग यहाँ पर घूमते रहते हैं। इसको बंद होना चाहिए, रास्ता बंद होना चाहिए। ठीक है, तो दोस्तों आप देख सकते हैं बाटा रेलवे स्टेशन पे एक व्यक्ति जो यहाँ पे बैठ के शराब पी रहा था, ट्रैक पे बैठ के, रेलवे ट्रैक दोस्तों देख सकते हैं, रेलवे ट्रैक पे बैठ के शराब पी रहा था। उसके बाद ट्रेन के टकराने से, मतलब कि मालगाड़ी जो है उससे टक्कर लगती है उससे, और उसकी मौके पर ही मौत हो जाती है। दोस्तों देख सकते हैं सामने, मैं तस्वीरों में सीधा दिखा रहा हूँ, बाटा रेलवे स्टेशन है और ये ट्रैक है, इसी ट्रैक पे बैठ के वो शराब पी रहा था दोस्तों। तो दोस्तों कहीं ना कहीं लापरवाही कहेंगे इसको, ट्रैक पे बैठ के शराब पीना, और वैसे भी शराब पी के जो गाड़ी चलाते हैं आए दिन एक्सीडेंट होते हैं, तो आपको रूबरू कराने की पूरी कोशिश की जाती है सर। दोस्तों आज ऐसा ही मामला सामने आया दोस्तों, देख सकते हैं रेलवे स्टेशन, बाटा रेलवे स्टेशन पे एक व्यक्ति मालगाड़ी के टकराने से उसकी मौके पर ही मौत हो जाती है दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ऐसी लापरवाही ना बरतें। आप जो भी इस वीडियो को देख रहे हो, आपसे अनुरोध है ऐसी लापरवाही जो है ना बरतें।